हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा पतली होने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मेरा वेट गेन हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। और सुबह उठ के मैं थोड़ा सा वर्कआउट करने की कोशिश करती रहती हूँ। और किसी दिन होते हैं, किसी दिन नहीं होते, मतलब हफ्ते में 4-5 दिन हो जाते हैं, डेली नहीं हो पाते। और मैं थोड़ा सा इसमें क्लिपिंग ऐड किए, मतलब थोड़ा सा क्लिपिंग ऐड किया देखो, और बहुत फास्ट कर दिया है क्योंकि बहुत टाइम से करती हूँ, 15-20 मिनट तो कर ही लेती हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने दिखाया कि क्या क्या करती हूँ, पता नहीं अब क्या होगा। खाने में भी कंट्रोल थोड़ा सा कर लिया, ज़्यादा खाती थी ठूस ठूस के, अभी थोड़ा सा कम कर दिया, पता नहीं क्या होगा आगे जाके। पर सच में फ्रेंड, मैं बहुत टेंशन में हूँ। अब मैं ये थोड़ा सा वर्कआउट करने के बाद पीऊँगी मैं चाय, चाय पीने के बाद फिर काम में लग जाऊँगी। तो अभी मतलब ये लगभग हो ही गया है, और इसके बाद मैं डांस करते करते चाय पी लिया, मतलब डांस करने के बाद चाय पी लिया। और फिर आ गई मैं बाहर, बाहर जो कपड़े 2 दिन से सूख रहे थे उसी को मैं उठा रही थी अच्छे से, मतलब मैं चेक कर रही थी कौन सा अच्छे से सूखा है, कौन सा अच्छे से नहीं सूखा। फिर वो चेक करने के बाद मैं एक एक करके उठा के फिर घर में, मतलब रूम के अंदर लेके जा रही थी उसको समेटने के लिए, ठीक करके फिर अलमीरे के अंदर रखने के लिए। और फ्रेंड, मैं ना क्या कर रही हूँ, जो विंटर का कपड़ा था वो धो के सुखा के फिर मैं अंदर कर रही हूँ, और मतलब दोबारा अभी नहीं निकलेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर विंटर में निकलेंगे। क्योंकि ऐसे ना डबल डबल कपड़े हो के बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर भी मैं जिस रूम में अभी रहती हूँ, जिस घर में, तो इसमें कबर्ड बहुत ज़्यादा है तो हो जाता है, पर फिर भी सारा कुछ चिवाड़ के ऊपर पड़े रहते हैं, कुछ इस मतलब सारे अलमीरा बिगड़ के पड़े हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए। और सर्दी का तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें ना रोज़ बाहर जाना पड़ता है अपने स्टोर में, दुकान में, तो इस वजह से सब एक दो दिन में पहनती हूँ। और मैं ना रोज़ एक ही एक हफ्ते में धोते हैं, जैसे विंटर का कपड़े मैं ऐसे नहीं कर पाती हूँ, 2 दिन पहनूंगी तो फिर मुझे नेक्स्ट दिन धोना पड़ेगा, तो इसलिए मेरा विंटर का कपड़ा भी ज़्यादा ही है। और बच्चे का तो आप लोगों को पता ही होंगे कि बच्चे लोगों का कितना सारा स्वेटर वगैरह होते रहते हैं, तो वही है। चलो, मुझे तो विंटर बिल्कुल पसंद नहीं है, अब थोड़ा सा गर्मी आ रही है तो मुझे अच्छे लग रहे हैं। और सच में मुझे गर्मी में बहुत अच्छे लगते हैं, यहाँ पे तो गर्मी बहुत ज़्यादा होते है फिर भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसे करके मैं बाहर का जो सारा कपड़ा था ये लेके आके देखो कितना सारा जमा हो गया, और मैं इसको यहीं पे समेट के फिर अलमीरे के अंदर मैं डाल लूँगी। तो चलो फ्रेंड, मेरे साथ वीडियो में बने रहो और देखते रहो, पर आप फुल वीडियो वॉच करना, थोड़ा सा भी मिस हो जाएगा तो आप लोग कुछ मिस कर जाओ, तो इसलिए मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहो। तो फ्रेंड, मैं कुछ बताना भूल गई थी आप पूरे, मतलब जो मेरे न्यू फ्रेंड हो, प्लीज़ आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मुझे पता है, क्योंकि मैं जहाँ देखती हूँ, मतलब यूट्यूब में एक ऑप्शन आता है जिसमें दिखाई देता है कि सब्सक्राइबर कैसे, मतलब कितने देख रहे हैं और नॉट सब्सक्राइबर, तो उसमें मेरा ना सबसे ज़्यादा नॉट सब्सक्राइबर का ही व्यूज़ ज़्यादा है, तो इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ फ्रेंड पूरा वीडियो देखो, और एक प्लीज़ कॉमेंट करके जाना। तो इसीलिए मतलब काम करते करते वीडियो बनाना भी मुश्किल हो जाता है, फिर भी आप लोग के सपोर्ट की वजह से, प्यार के वजह से बनाना पड़ता है। पर वही सपोर्ट अगर मुझे नहीं मिलेगा तो फिर मेरा क्या बोलूँ, थोड़ा सा मतलब अपसेट हो जाती हूँ, वीडियो नहीं बनाने का मन करता है वही। और फ्रेंड, आप देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पे कपड़े समझते समझते मैं कुछ कपड़े को बाहर दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना जब मैं कपड़े उठा रही थी मेरा हाथ भीगा हुआ था, तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैं जब इसको समझ रही थी तो पता लगा कि इसमें एक दो, मतलब एक कहीं कहीं पे थोड़ा सा हल्का हल्का सा भीगा हुआ है, तो उसी कपड़े को मैं फिर से दोबारा ले जाके बाहर दे रही हूँ, और जो सूखा हुआ है उसको मैं बेड के ऊपर रख रही हूँ, क्योंकि ऐसे करके मैं सारे कपड़े अलग कर लूँगी, सरिन्या के कपड़े अलग कर लूँगी, मेरे सारे कपड़े और जो मेरा इनर वेयर है उसको मैं अलग कर लेती हूँ, क्योंकि एक जगह पे रखूँगी तो फिर मुझे ढूंढना पड़ता है छोटी छोटी चीज़। और मेरे हस्बैंड के भी जो सारे कपड़े हैं उसको मैं अलग कर लेती हूँ, और मैं ऐसे ही अलग अलग करके मतलब ये रोज़ ही करती हूँ, रोज़ मेरा ये।
तो फ्रेंड फिलहाल मैं ये काम करने के बाद जाऊंगी किचन में, और किचन में किचन का जो लंच का प्रिपरेशन होगा वो लूंगी, मतलब क्या क्या लंच में बनेगा, और फिर उसके बाद मैं घर का जो बाकी का काम है वो करूंगी। चलो फ्रेंड मेरे साथ बने रहो। तो फ्रेंड मैं अभी आ गई हूँ अपने किचन में, और ये देखो मैं चावल बनाने बिठा दिया है, और मेरा जो फ्रिज में मच्छी था उसको मैं पानी में डाल दिया है क्योंकि एकदम आइस के साथ जम गया था। और बाकी का शरण्या देख रही है टीवी, मैं उस रूम में नहीं जा सकती, मेरा कॉपीराइट लग जाएगा। और अभी हमारा ऑफ डे है इसलिए देखो क्यों व्हाइट व्हाइट हो गया, आज हमारा ऑफ डे है इसलिए जो कपड़े वपड़े होते हैं सारे मतलब ज्यादातर आज धोना पड़ेगा, तो इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, बस चावल और मच्छी और ये कुछ सब्जी बनाऊंगी बस एक। तो देखो मेरा हस्बैंड का काम ये पानी ऐसे ही खोल के ढक्कन खोल के इसमें रख दिया क्योंकि इसमें जो जैसे पानी उठाते हैं ना जो मशीन है वो उसका चार्ज खत्म हो चुकी है, तो इसीलिए ऐसे ही रख दिया है। अब उसको चार्ज होने के लिए दे दिया है, चार्ज हो जाए फिर उसमें लगा देंगे। तो अभी मेरा ऐसा ही काम चल रहा है, और बाहर का काम तो आप सबको मैंने दिखा दिया कि बाहर में क्या कर रही थी, कितना क्या क्या किया सुबह। तो फ्रेंड चलो मैं अपना खाना बना लेती हूँ, और फिर उसके बाद खाना बनाने के बाद पोछा लगाऊंगी, फिर नहाने जाऊंगी, मतलब मेरा देखो ठीक तरीके से बात भी नहीं कर पा रही, नहाने जाऊंगी, नहाने के बाद आएंगे, फिर जैसे रेडी होते हैं रेडी होंगे फिर उसके बाद ठूसेंगे, यहाँ पर ठूसेंगे, ठूस ठूस के मेरा पेट भर रहा है, इसी वजह से थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करना पड़ रहा है। सच में फ्रेंड पता नहीं कैसे मैं अपना वेट लूज करूंगी, मुझे एकदम मोटापा पसंद नहीं है इसलिए मैं बहुत सैड हूँ, और मतलब ज्यादा नहीं बढ़ा है, मुझे फील होता है कि थोड़ा सा तो बड़ा है, कोई नहीं। चलो चलो फ्रेंड आज का वीडियो मैं यहीं पे बाय करती हूँ, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो देख रहे थे मेरे इस वीडियो को न्यू, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और जो मेरे ओल्ड फ्रेंड हो प्लीज मेरी तरफ से किसी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और कॉमेंट करके जाना, फिर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और चलो बाय बाय।